जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार का ये सातवां बजट है और आठवां बजट है। सात बजट हम लोग से पहले प्रस्तुत कर चुके हैं और प्रत्येक ने अपने किसी एक थीम को लेकर के प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस बजट को प्रस्तुत किया है। हमारा पहला जो बजट था वह 17-18 का, वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2019-20 का हमारा प्रदेश का बजट मातृशक्ति को समर्पित करते हुए, मिशन शक्ति के अभियान को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2020-21 का बजट प्रदेश के युवा ऊर्जा को समर्पित था। 21-22 का बजट प्रदेश के स्वावलंबन से सशक्तिकरण के इस अभियान को समर्पित था और 22-23 का अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का प्रदेश का बजट रहा है। वर्ष 23-24 का बजट हमारी सरकार ने त्वरित एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए समर्पित किया, तो आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही महा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं, उनके विचार में, उनके संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।